Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Start. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के दौरान पेश की गई सामग्री प्रदर्शों और उनके अभिवचनों का विश्लेषण करने के पश्चात यह पाया कि प्रतिवादी कंपनी ने वादी के दावे को लिखित कथन के पैरा 18 में स्वीकार किया है। इसका पीडब्ल्यू 1 के इन कथनों से भी समर्थन पाया गया है कि प्रतिवादी द्वारा देय स्वीकार किए गए थे। तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि वादी अपने हक में 680,000 रुपए की डिक्री के लिए हकदार है। तदनुसार विवादक संख्या 4 का वादी के हक में उत्तर दिया गया था। विवादक संख्या 1 से 3 एक साथ विनिश्चित किए गए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए प्रतिवादी द्वारा भागीदारी अधिनियम की धारा 69 उपधारा 2 के अधीन किए गए आक्षेप में कोई बल नहीं पाया कि वादी ने 5 भागीदारों के ब्यौरे फाइल किए थे। इसके अतिरिक्त वादी फर्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को भी अभिलेख पर प्रदर्श 6 के रूप में पेश किया गया था। अतः प्रतिवादी का यह अभिवाक कि केवल 2 भागीदार थे स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया गया। अतः वादी फर्म द्वारा फाइल किया गया वाद ग्रहण किए जाने योग्य ठहराया गया था। तदनुसार अपेक्षित निर्णय द्वारा अनुरोध किया गया अनुतोष मंजूर किया गया था। यद्यपि 9% वार्षिक की दर से वादकालीन और भावी ब्याज मंजूर किया गया था, तथापि वाद फाइल करने से पूर्व की अवधि के लिए ब्याज मंजूर नहीं किया गया था। तथापि प्रतिवादी लिखित कथन के पैरा 18 में की गई स्वीकृति से संबंधित निष्कर्षों को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि प्रतिवादी ने वादी के हक में 680,000 रुपए के देयों को स्वीकार किया था। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने दलीलें देने के दौरान यह भी कहा है कि उप न्यायाधीश जमशेदपुर के न्यायालय में प्रतिवादियों द्वारा वादियों के विरुद्ध फाइल किया गया 1994 का धनवाद संख्या 52 भी खारिज किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा बल देकर दी गई दलीलों के बावजूद वाद के संबंध में दलील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि फर्म एक रजिस्ट्रीकृत भागीदार फर्म थी। वाद भागीदारी फर्म के नाम से ही फाइल किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने यह भी सूचित किया है कि इस अपील के लंबन के दौरान प्रतिवादी अपीलार्थी को तारीख 7 सितंबर 1998 और तारीख 17 दिसंबर 1998 के अंतरिम आदेशों द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वे तारीख 25 सितंबर 1998 के आदेश के अनुपालन में निष्पादन न्यायालय के समक्ष
संपूर्ण डिक्रीत धनराशि जमा करें। प्रत्यर्थी को यह भी अनुज्ञात किया गया था कि वह निष्पादन न्यायालय के समाधान के लिए बैंक गारंटी दाखिल करने पर उक्त धनराशि आहरित कर सकता है। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल को दिए गए अनुदेश के अनुसार वादी प्रत्यर्थी ने 9,16,939 रुपए की धनराशि की बैंक गारंटी जमा कर दी थी। जब डिक्रीत धनराशि आहरित की गई थी, उक्त बैंक गारंटी तारीख 3 अप्रैल 2019 तक के लिए थी और यह अभी भी विधिमान्य है। प्रश्नगत बिंदु जिनके बारे में अपीलार्थी व्यथित हुआ है, अर्थात 6,80,000 रुपए के दावे पर विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष और भागीदारी अधिनियम की धारा 69 उपधारा 2 के उपबंधों को दृष्टिगत करते हुए वाद पर तात्विक साक्ष्य और पक्षकारों के अभिवचनों को दृष्टिगत करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है। जैसा कि इस निर्णय के उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं प्रतिवादियों द्वारा लिखित कथन में की गई स्वीकृति के आधार पर अपना समाधान किया है और चूंकि प्रतिवादियों द्वारा वादी के विरुद्ध 3,23,000 रुपए की धनराशि की वसूली के लिए फाइल किया गया 1994 का धनवाद संख्या 52 भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए वादी के हक में डिक्रीत 6,80,000 रुपए के दावे के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।